अब हम अपने घर में चार बहन भाई थे, हम दो बहन दो भाई। 16 साल की उम्र में शादी कर दी बाप ने हमारे। तो उसके बाद हमारे बच्चों के पापा जो थे, गांव में इतनी आमदनी नहीं थी और गांव में हम पर्दे में ही रहते थे, यानी कि बाहर बिल्कुल नहीं निकलते थे, बिना बुरखे के नकाब के बिना बाहर हम नहीं आते थे। तो हमारे बच्चों के पापा उसके बाद फिर गाँव यहाँ चंडीगढ़ शहर में आ गए। चंडीगढ़ में आ गए तो यहाँ भी आकर हम बाहर नहीं निकलते थे। तो किसी ने मेरे को बताया तो मैं एमसी की तरफ से मैंने सिलाई सीखी। सिलाई सीखने के बाद मैंने अपना काम खोला बैगों का। 8-10 लेडीज को मैंने इकट्ठा किया तो मेरे को पता चला कि एक समूह बनता है, महिला समूह। तो उस टाइम पर 2002 की बात है, मैंने 20-20 रुपये का एक ग्रुप बनाया। 20 रुपये हम बैंक में जमा करते थे। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमारी लेडीज़ों ने काम किया। काम करते करते हमारा थोड़ा काम बढ़ने लगा। उसके बाद फिर रहते रहते फिर हमारे को एमसी वाले मिले, इन्होंने हमारे को नॉलेज दी कि ये के प्लास्टिक के बर्तन में खाना पीना सारा प्लास्टिक के बर्तन में होता, तो उनसे गंदगी फैलती थी नालियों में। जैसे गायें चुगती, पशु पक्षी फिरते तो वो पन्नी को जो मोमजामी होते इनको खा लेते, तो ये जो मोमजामी होती है जानवर के पेट में गलती नहीं है, वैसे के वैसे ही निकलती है। क्योंकि हमारे घर में एक बकरी थी, हमें इसलिए पता ज़्यादा करके तो वो बकरी ना खा ली थी। तो वो बकरी छोटी सी रही, वो बड़ी ही नहीं वो बकरी। फिर उसका इलाज करा तो उस मोम जमी वैसी की वैसी उसके अंदर से निकली जैसी उसने खाई थी। तो गलती नहीं, तो हमारे को ये जानवर से भी ये जानकारी मिली कि मोम जमी नहीं गलती पेट के अंदर भी जाके। तो इसलिए हमने फिर ये आपस में अपना महिला समूह जो बनाया उनसे बात की कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, ये गंदगी जो है, ये जो प्लास्टिक जो है, ये किसी तरह से ख़त्म करा जाए। प्लास्टिक ख़त्म करने की वजह से हमने ये काम शुरू किया अपना। तो हम अपने बर्तन किराए पर चलाते। मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक ख़त्म करके सब बर्तन ही यूज करें। हमारे सब बर्तन अपने किराए पर लो, सस्ते रेट से हमारे बर्तन मिलेंगे। इससे हमारी आमदनी भी बढ़ेगी और हमारे शहर गंदगी से बचेगा।